वेलकम एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मालूम होगा आप लोगों को, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के विकेट कीपर के बारे में, यानी कि आईपीएल में 2024 सीजन में कौन सा वो प्लेयर रहेगा जो कि आरसीबी की कीपिंग करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा हर टीम में विकेट कीपर की अहमियत बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर वो चाहे तो गेम पलट सकता है विकेट के पीछे से, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा महेंद्र सिंह धोनी के लिए कहा जाता था। वहीं पर अगर हम आरसीबी के लिए बात करें तो आरसीबी का विकेट कीपर कौन होगा, अभी तक आप लोगों को दिनेश कार्तिक देखने को मिल रहे थे, लेकिन दिनेश कार्तिक की जो परफॉर्मेंस निकल के आई है मेरे हिसाब से वो रिलीज हो जाएंगे, उनकी जगह फिलहाल आरसीबी की टीम में नहीं बनती है। वहीं पे आप लोगों को सेकंड प्लेयर कौन देखने को मिलता है, सेकंड प्लेयर आपको देखने को मिलता है अनुज रावत, जो कि आपको लगातार तो मैचेस नहीं मिले थे उन्हें, लेकिन जो भी मैचेस मिले थे उन्होंने विकेट कीपिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी की थी। लाइक आप लोगों ने जो देखा होगा दिनेश कार्तिक से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी विकेट कीपिंग की थी वहीं पर, लेकिन आप लोगों को एक दिक्कत निकल के आ रही है कि आप उन्हें लोअर ऑर्डर में ज्यादातर खिलाते हो, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा निकल के नहीं आई, लेकिन कुछ मैचेस थे जहां पर उन्होंने अच्छी खासी हिटें लगा के आरसीबी को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया था। आप लोगों को जैसे मालूम हो, चाहे वो राजस्थान का 59 ऑल आउट हो, उसमें भी लास्ट ओवर में 20 या 21 रन अनुज रावत ने बना दिए थे। तो मेरे हिसाब से अनुज रावत को आपको मौके देने हैं, वो अच्छा खासा कर सकते हैं लोअर ऑर्डर के लिए, तो मेरे हिसाब से अनुज रावत को आपको रखना पड़ेगा। लेकिन उनकी जगह एक और प्लेयर भी जरूर से हो चाहिए बैकअप के तौर पर, तो बैकअप के लिए आपके पास फिन एलन ऑलरेडी है। आप लोगों को जैसे मालूम होगा न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, अच्छे खासे पोटेंशियल के प्लेयर हैं, टॉप द ऑर्डर खेलते हैं, लेकिन एक दिक्कत निकल के आती कि आप उन्हें खिला नहीं पाते हो आपकी प्लेइंग 11 में। आपकी प्लेइंग 11 में दिक्कत यह आती कि आपके चार जो ओवर स्लॉट है वो फिक्स नजर आते हैं, क्योंकि आपके फाफ डुप्लेसी खेलेंगे ही खेलेंगे, वहीं पे आपके ग्लेन मैक्सवेल भी खेलेंगे, वहीं पे आप हेजलवुड को भी खिलाओगे, और स्पिनर के तौर पे आप हसरंगा को अभी तक खिला रहे थे, तो आपके चार ओवरसीज स्लॉट लॉक हो जाते हैं, फिर आप किसको ही मौका दे पाओगे। तो मेरे हिसाब से फिन एलन ऐसा बैकअप रहेंगे, अगर वो खेलेंगे तो मेरे हिसाब से हसरंगा या जो हेजलवुड में से कोई एक ना एक बाहर बैठेगा। तो मेरे हिसाब से ये तीन विकेट कीपर हैं अभी फिलहाल आरसीबी के पास, जिसमें से दिनेश कार्तिक का रिलीज होना बनता है और उनकी जगह मेरे हिसाब से अनुज रावत अब कीपिंग करते हुए नजर आएंगे आईपीएल के 2024 सीजन में। तो आप लोगों को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कोई नई धमाकेदार वीडियो में।